आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर से मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, निकाय चुनाव के लिए किया जाएगा पुनर्निरीक्षण। काशीपुर में सपा विधायक ने दिया विवादास्पद बयान, पाकिस्तान को बताया हिंदुस्तान का छोटा भाई। नोएडा में लगातार तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा, शहर में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। बुलंदशहर में अवैध उगाही के खिलाफ एसएसपी को दिया गया ज्ञापन, भारतीय किसान एकता फौजी संगठन ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपावली बनाने के लिए दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दीपोत्सव और पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे, जहां सीएम योगी साकेत महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन और निर्माण स्थल का जायजा लेंगे। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली से एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ अयोध्या से जुड़ेंगे। राघवेंद्र, दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी चल रही हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। बता दें कि जिस तरीके अयोध्या में छठे भव्य दीपोत्सव का आगाज हो रहा है, तो बता दें आज जो है वो सीएम योगी का दौरा है, रामलला का जायजा लेंगे और उसके बाद एक समीक्षा बैठक होगी अधिकारियों के साथ कि दीपोत्सव को किस तरीके भव्य बनाया जाए। अगर बात की जाएगी तो वो सबसे पहले जो है वो साकेत महाविद्यालय जाएंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री का प्लेन उतरेगा और वहां पर हेलीपैड बन रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ये रामकथा संग्रहालय जाएंगे, तो वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। जी, देखा जाए तो राघवेंद्र, इस बार दीपोत्सव को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है अयोध्या में, 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, इसको लेकर और क्या कुछ तैयारियां हो रही है वहां पर? बिल्कुल, अगर बात की जाएगी कि 17 लाख दिए जला करके और फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, तो इसको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को यहां पर पहुंचेंगे, उसके रामलला में भव्य दीपोत्सव का आगाज होगा। पहला दीपक जो है वो रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे, उसके बाद ये राम पैड़ी पर पहुंचेंगे, उसके बाद राज अभिषेक करेंगे राम का। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके अगर भव्य दीपोत्सव का एक बार फिर से अयोध्या में आगाज होगा। मैं बता दूं कि मैं उस जगह खड़ा हूं कि जहां पर रामचंद्र जी के लेकर के उनके जो झांकियां निकाली जाती हैं, वो ये झांकियां बन करके और तैयार हो रही हैं। आपको बता दें हमारे साथ में यहाँ के कुछ कारीगर हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से झांकियां बना रहे हैं और क्या क्या इसमें और कितने दिन लग जाएंगे झांकी बनाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे राम दरबार से लेकर के और इनके पूरे जीवन काल का ये पूरी पूरी झांकियां तैयार हो रही हैं। जी यहाँ पर हमारे साथ हैं जो यहाँ के कारीगर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए, यहाँ पर आप काम लग रहे हैं, किस तरीके जो काम कर रहे हैं, कितनी झांकियां लेना है और कब तक? ये भैया जो है अभी आके बता,
बिल्कुल, तो हम इस तरीके आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे झांकियाँ जो बन के तैयार हो रही हैं, सामने इस तरीके तैयार हो रही है झांकियाँ, और पूरा कुल मिलाकर के रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर ये 11 झांकियाँ निकाली जाती हैं। जी नंदिनी, राघवेंद्र, देखा जाए तो ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव होगा, इसको लेकर और क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा, झांकियां निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा निकलेगा, और ऐसी क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? देखिए, अगर बात की जाएगी तो राम पैड़ी पर एक स्टेज बन रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है, फिलीपींस से लेकर थाईलैंड और इंडिया के भी कुछ कलाकार ऐसे आ रहे हैं जो रामलीला में यहाँ पे भाग देंगे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई जगह ऐसे हैं कि जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ होंगे, सरयू घाट पर ये जलाए जाएंगे। अगर बात की जाएगी तो उस दिन दीपोत्सव के दिन, तो दीपोत्सव के दिन जो है स्कूल से लेकर के हर एक सरकारी कार्यालयों पर यहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। जी देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है, और इस बार देखा जाए तो दीपोत्सव को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री के दूसरी बार आगमन की बात की जाएगी तो पहली बार उन्होंने जब राम मंदिर का फैसला आया था उसके बाद उसका शिलान्यास करने यहाँ पहुंचे थे अयोध्या में, तो आप देख सकते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया है अयोध्या में, तो इसके एवज में एक दोबारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर पहुंच के सबसे पहला आगाज दीपक का रामलला के दरबार में जला करके, राम मंदिर के निर्माण में जला करके, उसके बाद ये दीपोत्सव का आगाज करेंगे। जी राघवेंद्र, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है तो जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, अगर बात करेंगे डीजीपी से लेकर के और एडीजो जोन, एडीजो सुरक्षा, सारे लोग अयोध्या में डेरा डाल चुके हैं, और किस तरीके एसपीजी से लेके और किस पीएससी से लेकर के सिविल पुलिस से लेकर के और कहां कहां पुलिस का इंतजाम करना है, पूरी तरीके नाकेबंदी में रहेगी अयोध्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को होगा। आयोग की ओर से निर्धारित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नवंबर के दूसरे सप्ताह तक हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 31 अक्टूबर से मतदाताओं को सूची की ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा और 12 नवंबर तक उन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 13 से 17 नवंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। नोएडा में लगातार तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से शहर भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक बढ़ते पॉल्यूशन के कारण वाहनों की रफ्तार कम हुई है, वहीं बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी सतर्कता बरतने को कहा गया है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां से सपा विधायक जय किशुन साहू ने एक विवादास्पद बयान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सपा विधायक जय किशुन साहू गाजीपुर की सदर सीट से विधायक हैं। सपा विधायक ने अपने बयान में पाकिस्तान को हिंदुस्तान का छोटा भाई बताया है। बता दें कि सपा विधायक जय किशुन साहू ने एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने ये बात कही। सपा विधायक ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का छोटा भाई है और दोनों देशों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों के बीच में जा करके उन लोगों का पर्दा खोलना जो लोग हिंदू मुसलमान एकता को इस देश में तोड़ना चाहते हैं। क्या भारत माता गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी उस समय हिंदू मुसलमान नहीं था? जिस समय पाकिस्तान के सरहद पार से इस देश पर गोले दागे जा रहे तो मुसलमान कौम में पैदा होने वाला वीर अब्दुल हमीद आखिर कौन था? उस समय क्यों नहीं अलग कर दिया गया? आज जब देश आजाद हो गया,
जिन लोगों ने देश में अपनी जवानी को दे दिया उन पर आज कहते हैं कि हिंदू मुसलमान यह कैसे अच्छा लगता है। गाजियाबाद में थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक महिला को गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर गैंगरेप किया गया। बता दें कि गैंगरेप करने के बाद महिला के गुप्तांगों में दरिंदों ने लोहे की दाढ़ घुसा दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला को आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पर पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी, सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी। अमेठी जिले में चल रहे मदरसे की प्रशासन की तरफ से जांच की गई, जिनमें से 60 मदरसे ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं 5 मदरसे सरकारी हैं जिनको सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाला एक खुलासा ये भी सामने आया कि जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिले में संचालित किए जा रहे हैं। पूरे जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या कुछ 70 बताई गई। बता दें जिले में मदरसों की जाँच अभी जारी है, जाँच पूरी होने के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शासन द्वारा निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो टीम गठित की गई संबंधित तहसीलों के SDM, DSA और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा, तो 1 माह के दौरान जो भी जांचें हुई उनमें लगभग 70 मदरसे ऐसे प्राप्त मिले हैं जिनकी मान्यता सरकार द्वारा नहीं है। इन 70 मदरसों में लगभग 15 से 20 मदरसे ऐसे हैं जो कि नदवा लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है। बुलंदशहर में भारतीय किसान महाशक्ति संगठन के किसान नेताओं के अवैध उगाही के खिलाफ SSP को ज्ञापन दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी RTO ऑफिस पर धरना चल रहा है। बता दें कि संगठन की तरफ से कहा गया कि भारतीय किसान महाशक्ति संगठन में किसी लेखपाल को सस्पेंड तो कभी डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही ये भी कहा कि मेरे संगठन के साथ कोई भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार भारतीय किसान महाशक्ति संगठन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह जी, मैंने अभी क्योंकि संगठन अभी 1-1.5 महीने हुआ है मैंने खड़ा किया है, जो कि मैं महाशक्ति से निकल के आया था। तो अभी हमारे महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे जो उनसे निकल के जो हमारे साथ जुड़ रहे लोग उनसे दबाव दिया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मैं झूठे मुकदमे करा दूंगा और धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि मेरे पास ज्ञापन में हैं। ये 2 नंबर भी हैं जिनके द्वारा धमकी देंगे जान से मारने की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी में नामी नशा तस्कर ममू सलमान और साइना के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई पुलिस और नगर निगम की तरफ से की गई। बता दें साइना और सलमान पर करीब 11 मुकदमे नशा तस्करी के केस में दर्ज हैं। ये काफी लंबे समय से नशे का कारोबार करते चले आ रहे हैं। एक ममू नाम की लेडी है, काफी दिन से अवैध गांजा बेचने का काम करती थी। उसकी बेटी साइना और बेटा सलमान उनसे सप्लाई करते थे और मदद करते थे, जिन्होंने ये अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी थी, जिसको आज यही भी मेन ठिकाना था जो बेचने का था। उसके खिलाफ 10 से और 12 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए आज उसके मकान को नियमानुसार MCF विभाग से पत्राचार करने के उपरांत
एसडीओ साहब और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में एनआईए की टीम ने 25,000 के इनामी और कौशल गैंग के गुर्गे नीरज फरीदीपुरिया के घर छापेमारी की। बता दें कि एनआईए की टीम सुबह 4 बजे नीरज के घर पहुंची और लगभग 2 बजे वहां से रवाना हुई। लगभग 10 घंटे एनआईए के अधिकारी नीरज के घर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने कुदाल से नीरज के बेसमेंट में भी खुदाई की। नीरज पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत 21 मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पलवल में हुई एक हत्या के बाद से नीरज फरीदपुरिया फरार चल रहा था। नीरज के ठिकाने पर पिछले महीने नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ भी की थी। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अमरौली गांव के पास दिनदहाड़े 2 बाइक सवारों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी और दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल बाइक सवार को सीएससी सैदरपुर में गंभीर हालत में भर्ती कराया, जहां से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। के थाना वजीरगंज के ग्राम अमरौली की यह घटना है, जहां पर श्री सत्यपाल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 63 वर्ष है, ये अपने घर से लगभग 3:30 बजे दोपहर में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बाजार के लिए निकले थे। तभी उनके पीछे से कोई अज्ञात 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आकर के और इनको पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनके परिजन वहां पहुंचे और उनके और पुलिस के द्वारा इनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। घटना घटी आपके भाई के साथ? बाजार जा रहे थे हमारे पिताजी, रात में तो आए थे, गोली मार गए। अच्छा, तो कौन लोग थे? क्या पता कौन लोग थे। क्या नाम है इनका? सतपाल सिंह। इनके पिता क्या नाम? महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? अमरोली। शिक्षक थे या? हाँ। रिटायर हो गए थे? रिटायर हो गए। अच्छा, फिर किनने मारी गोली, कुछ पता? कुछ नहीं पता भाई, किस कौन मार गया गोली। जी, जा कहाँ रहे थे? बाजार जा रहे, जसौलीगंज की। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना इलाके के माल गोदाम के पास बस की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने शव को रखकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद आक्रोशित हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने रासलगंज चौकी के सामने आकर जाम लगा दिया और 50 लाख रुपए का मुआवजा एक आवास के साथ मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। वहीं सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम खुलवाते और मामले को जैसे तैसे शांत कराया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस